अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं और आपको भी पेड़ पौधे लगाना पसंद है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की अपने इस पहले गार्डनिंग गैजेट के साथ। नंबर 9, रायबी मिस्टर फॉगर। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आपको इस बात का तो अंदाजा होगा कि जब भी पेड़ पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो आपको उनमें दवा छिड़कनी पड़ती है, और इस काम के लिए आपको मार्केट में काफी सारे स्प्रेयर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो स्प्रेयर्स होते हैं वो छोटे पौधों के लिए तो ठीक रहेंगे, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों तक उनका स्प्रे नहीं पहुँचता। तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि एक तरीके का ऐसा ऑटोमेटेड स्प्रेयर होता है जो कि आसानी से बड़े पेड़ों में भी छिड़काव के लिए काफी बेहतर रहेगा। ये एक बेहद छोटा सा गैजेट रहेगा जिसे कि आप हाथों में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा टैंक लगा रहेगा जिसे कि आपको केमिकल से रिफिल करना होगा, जिसके बाद ये ऑटोमेटेड तरीके से काफी दूर तक स्प्रे करता है जिससे कि बड़े पेड़ों में भी दवा आसानी तक पहुंच सकती है। वहीं दोस्तों इसका इस्तेमाल आप सैनिटाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके टैंक में अगर सैनिटाइजर फिल कर दिया जाए तो ये उसका भी स्प्रे बनाकर थ्रो करता है, जो कि काफी बेहतर रहता है सैनिटाइजेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बेहद मल्टीपर्पज होता है, जो कि गार्डन्स और पर्सनल यूज दोनों के लिए काफी बेहतर रहेगा। नंबर 8, संजो वुड चिपर। दोस्तों गार्डन्स में एक मौसम में काफी सारी छोटी छोटी लकड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जब लकड़ियां झड़ती हैं पेड़ों से तो ऐसे में काफी ज्यादा कूड़ा करकट होता है गार्डन में, जिसे कि जनरली हम लोग कलेक्ट करके एक जगह साइड में रख देते हैं, क्योंकि सूखी लकड़ियां काफी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ऐसे लकड़ी रखने पर कहीं न कहीं वो आपके गार्डन की शोभा थोड़ी सी बिगाड़ देती है। तो अगर आप चाहें तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, जो कि रखने में तो आसान होगी ही होगी और साथ ही जलाने में भी काफी बेहतर रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए आप इस तरीके के श्रेडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक श्रेडर है। इसमें कमाल की बात ये होती है कि इसमें 15 एम्पियर की पावरफुल मोटर लगी होती है, जिससे कि पावरफुल कटर्स ऑपरेट होते हैं, और जब भी सूखी लकड़ियों को आप इसमें डालते हैं तो काफी तेजी से ये उन्हें श्रेड कर देता है, जिससे कि आपको लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, जो कि रखने में काफी ज्यादा इजी होते हैं। साथ ही ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जलाने के भी काम आते हैं। तो कमाल का ये गैजेट रहता है, जो कि बड़ी बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। नंबर 7, स्टील गार्डन प्रूनर। दोस्तों वैसे तो लकड़ी काटने के लिए हम लोग कुल्हाड़ी या फिर आरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों को ही आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है, जिसमें कि काफी ज्यादा समय और ताकत लगती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि लकड़ी काटने का काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वुड कटर होता है, जो कि बैटरी पावर्ड रहेगा। नॉर्मली जो इस तरीके के वुड कटर्स आते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और उनकी हैंडलिंग भी बेहद मुश्किल होती है, लेकिन इस गैजेट की खास बात ये रहेगी कि ये साइज में बेहद छोटा रहता है, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल पर्सनल यूज में भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी एक छोटा सा गार्डन हो तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल करके आप आसानी से पेड़ों को काट छाट सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 6, होस क्लॉक स्प्रिंकलर प्रो। बड़ी बड़ी फील्ड्स में पानी छिड़कने के लिए स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कम पानी में ही काफी ज्यादा एरिया कवर हो जाता है और इसमें मेहनत भी कम लगती है। लेकिन दोस्तों स्प्रिंकलर का सेटअप लगाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है और साथ ही स्प्रिंकलर को सेट करना पड़ता है, जिससे कि पानी चारों तरफ आसानी से जाए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ छोटे गार्डन में करना चाहते हैं तो इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पानी छिड़कने का एक कमाल का तरीका है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये प्लास्टिक का बना एक स्प्रिंकलर होता है, जिसे कि आप अपनी फील्ड में कहीं भी बीचों बीच रख सकते हैं, जिसके बाद ये गोल गोल रोटेट करके अपने आप ही पानी छिड़क देता है चारों तरफ, जो कि एक कमाल की बात रहेगी। इसमें आपको एक पाइपलाइन भी देखने को मिल जाएगी, जिसे कि आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इस गैजेट को एक जगह कहीं पर फिक्स नहीं करना पड़ता। आप अपने हिसाब से इसकी जगह बार बार बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी एक जगह ग्राउंड पर फिक्स नहीं होता। तो इस गैजेट का इस्तेमाल करके आसानी से पूरी फील्ड में पानी दिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इस स्प्रिंकलर के अलग अलग अटैचमेंट्स का इस्तेमाल करके वाटर फ्लो को और भी बढ़ा सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इसे खरीदना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 5, फ्लेक्सिला गार्डन होस। गार्डन में पानी छिड़काव के लिए हम लोग ज्यादातर अपने वाटर टैप से पाइप लगाते हैं, जो कि कभी कभी थोड़ा सा उलझा हो जाता है, क्योंकि सर्दी के समय पाइप काफी ज्यादा टाइट हो जाते हैं, जिन्हें कि इस्तेमाल करना अपने आप में काफी मुश्किल होता है, और कभी कभी पाइप जब उलझ जाते हैं या फिर दब जाते हैं तो उनसे वाटर फ्लो भी कम हो जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए खासतौर पर इस तरीके के पाइप को बनाया गया है, जो कि डबल पाइप की कोटिंग के साथ आता है, जिससे कि पाइप के उलझने जैसी कोई भी समस्या नहीं आती। ये पाइप काफी ज्यादा टाइट होता है, जिससे कि ये आपस में उलझता नहीं है। वहीं इसके एक हिस्से पर आपको लीक प्रूफ नोजल मिल जाती है, जिससे कि इसे वाटर टैप के साथ आसानी से लगाया जा सकता है, और दूसरे हिस्से पर एक स्प्रेयर दे रखा होगा, जिससे कि आप पानी का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। तो काफी कमाल की चीज रहती है, जो कि खासतौर पर गार्डनिंग पर्पस बनाई गई है, यानी कि इस पाइप का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने पेड़ पौधों में छिड़काव कर सकते हैं। नंबर 4, ईगो पावर ब्लोअर।
गार्डन में पत्ते वगैरह गिरना काफी आम बात होती है, जिसकी आपको समय समय पर सफाई करनी पड़ती है। और गार्डन अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो काफी ज्यादा मुश्किल आती है इसकी सफाई करने में। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एयर ब्लोअर को, जो कि साफ सफाई करने के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। इस ब्लोअर की खास बात यह होती है कि इसमें 56 वॉट की पावरफुल मोटर लगी होती है, जिससे कि आप इसे 90 मिनट तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इससे 180 माइल्स पर आवर की स्पीड से एयर डिस्चार्ज होती है, जो कि काफी तेज मानी जाती है। यानी कि जब भी आप गार्डन पर इसे लगाएंगे तो पत्ते वगैरह आसानी से उड़कर एक जगह की तरफ चले जाएंगे। तो गार्डन की साफ सफाई के लिए ये गैजेट काफी यूजफुल होने वाला है। वहीं ये एक हैंडहेल्ड ब्लोअर होता है, जो कि बेहद लाइट वेट भी रहेगा, जिसे कि आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के ब्लोअर की मदद से अपने गार्डन की सफाई करना चाहते हैं, तो ये मिनटों में आपके गार्डन को अच्छी तरीके से साफ कर देगा। नंबर 3, स्टील कॉर्डलेस ब्रश कटर्स। दोस्तों, वैसे तो लॉन मॉविंग के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जिससे कि आप घास काट सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि ऐसी मशीन्स काफी हैवी भी होती हैं। तो इसके लिए अगर आप पर्सनल यूज में इस्तेमाल करना चाहते हैं इस तरीके के ग्रास कटर को, तो ये आपके लिए बेहद आसान रहेगा। इस ग्रास कटर की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का हैंडहेल्ड गैजेट होता है, जिसमें नीचे की तरफ कटर्स लगे रहेंगे, जिससे कि घास काटने का काम आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये बैटरी पावर्ड होता है, जिसमें कि आपको बस बैटरी इनबिल्ट करनी होगी और इस्तेमाल करना होगा। यानी कि कॉर्डलेस होने की वजह से आप इसे कहीं पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके भी गार्डन में काफी बड़ी बड़ी घास हो गई है, तो इस गैजेट के इस्तेमाल से आप आसानी से उसे ट्रिम कर पाएंगे। नंबर 2, आल्सो व्हील इजी गार्डन कार्ट्स। दोस्तों, गार्डनिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है, जैसे कि खाद वगैरह हो गई, मिट्टी हो गई, या फिर कभी कभी कूड़ा करकट भी इधर उधर करना ही पड़ता है। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है एक ऐसी ट्रॉली की, जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पाए। तो वहां पर आपके लिए इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल हो जाएगा, जिसमें कि आप आसानी से चीजों को लोड करके कहीं भी ले जाकर डंप कर सकते हैं। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये पूरी तरीके से मैनुअल ऑपरेटेड होता है, साथ ही साथ ये आसानी से फोल्ड भी हो जाता है। जब भी आपको इसमें सामान भरना हो, तो बस भरिए और कहीं भी ले जाकर डंप कर दीजिए। यानी कि इसका इस्तेमाल बेहद आसान सा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रोफेशनल गार्डनिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए बेहद यूजफुल हो जाता है। नंबर 1, ग्रोवोया। दोस्तों, अब जो मैं आपको गैजेट दिखाने वाला हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी वाकई काफी कमाल की होती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम पेड़ों में जब पानी डालते हैं, तो कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है और कभी कभी पानी कम हो जाता है, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में हमें पता नहीं होता। और ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी हम पानी डालना भूल भी जाते हैं। तो वहां पर इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इसमें कमाल की बात ये होती है कि इसका शेप एकदम सुराही जैसा होता है, जिसे कि आपको जमीन में पूरी तरीके से गाड़ देना होता है। इसका ऊपरी हिस्सा हवा में रहेगा, जिसमें कि आपको पानी भर देना होगा, जिससे कि इससे पानी धीरे धीरे रिसता है और ये पानी धीरे धीरे पेड़ों की जड़ों तक जाता है, जो कि पेड़ों की ग्रोथ के लिए काफी बेहतर माना जा सकता है। इसमें एक मजेदार बात ये रहती है कि अगर आप पानी देना भूल भी जाते हैं, तो ये लगभग 10 दिनों तक आपके पेड़ों को पानी पहुंचाता रहेगा। इसकी रेंज लगभग 3 फीट तक की होती है, यानी कि 3 फीट में जितने भी पेड़ लगे हैं उस जगह पे, ये उन सभी प्लांट्स की जड़ों पर लगातार पानी पहुंचाता रहता है, जो कि उनकी बेहतरीन ग्रोथ के लिए काफी बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बेहद कमाल की रहती है, जिससे कि पेड़ों की जड़ों तक पानी आसानी से पहुंचता रहेगा और आपको बार बार पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।